श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। हयग्रीव स्तोत्र में अभी छठा श्लोक से शुरू करते हैं। अपौरुषेयैरपि वाक् प्रपञ्चैः अद्यापि ते भूतिमदृष्टपारां स्तुवन्नहं मुग्ध इति त्वयैव कारुण्यतो नाथकटाक्षणीयः। जब ज्ञान की अधिदेवता है हयग्रीव भगवान, उनसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनका स्तोत्र करना इतना सरल नहीं है और वो तो बहुत बड़ा साहस का काम कर रहा हूँ, इसलिए कारुण्यतो नाथकटाक्षणीयः, करुणापूर्ण दृष्टि से मुझे कटाक्षित करना, मुझे देखना, मेरे ऊपर दृष्टिपात करना, ऐसी प्रार्थना इस श्लोक में करते हैं वेदांत देशिक जी। क्योंकि वो जो हयग्रीव भगवान है उनका वर्णन करना वेद के लिए भी संभव नहीं है। अपौरुषेयैहि अपि वाक् प्रपञ्चैहि, ऐसा शब्दों से वेद का उल्लेख किया गया है। अपौरुषेय का मतलब किसी पुरुष से नहीं प्रणीत, कोई पुरुष ने उसे नहीं बनाया है, ऐसा जो वेद है अपौरुषेय वेद है। पुरुषेण अप्रण प्रणीतम अपौरुषेयम्, पुरुषेण प्रणीतम पौरुषेयम्, पुरुषेण न प्रणीतम अपौरुषेयम्, पुरुष से नहीं प्रणयन किया गया है, यानी पुरुष का कोई किसी का कर्तृत्व वेद में नहीं है, अर्थात वेद मैंने किया ऐसा कोई नहीं बोल सकता। ऐसा जो अपौरुषेय जो वाक् प्रपंच हैं, वाणी का एक बहुत बड़ा एक समूह है, ऐसा ऋग यजु साम अथर्व रूपी जो चारों वेद का एक बहुत बड़ा प्रपंच है, और उससे भी अद्यापि अदृष्टपारां ते भूतिम, आज तक वो वेद आपके विभूति के बारे में जाना नहीं है, कुछ भी नहीं कह पाया, अदृष्टपारां पार नहीं कर पाया, और दूसरा जो कुल है वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, ऐसा जो वेदवाणी है उससे भी अदृष्टपारां अद्यापि ते भूतिम, अदृष्टपारां भूतिम अहम स्तुवन, मैं स्तोत्र करते हुए मुग्ध इति, ये तो बच्चा है, ये कोई काम कर रहा है, स्तोत्र कर रहा है, ऐसी भावना से मुझे देखना, ऐसा वेदांत देशिक जी हयग्रीव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि करुणापूर्ण कटाक्ष करें मेरे ऊपर, मैं तो असमर्थ हूँ, जो वेद से ही संभव नहीं हुआ ऐसा काम मैं कैसे कर सकता हूँ, तो भी मैं प्रयत्न कर रहा हूँ तो एक बच्चा प्रयत्न कर रहा है, ऐसी भावना से मेरे ऊपर दृष्टिपात करें, ऐसे ऐसे हयग्रीव भगवान से प्रार्थना करते हैं वेदांत देशिक जी। श्लोक ये है, फिर से एक बार पढ़ता हूँ। अपौरुषेयैरपि वाक् प्रपञ्चैः अद्यापि ते भूतिमदृष्टपारां स्तुवन्नहं मुग्ध इति त्वयैव कारुण्यतो नाथकटाक्षणीयः। आगे का श्लोक है। दाक्षिण्यरम्या गिरिशस्य मूर्तिः देवी सरोजासन धर्मपत्नी व्यासादयोऽपि व्यपदेश्य वाचः स्फुरन्ति सर्वे तव शक्तिलेशैः। दाक्षिण्यरम्या गिरिशस्य मूर्तिः देवी सरोजासन धर्मपत्नी व्यासादयः अपि व्यपदेश्य वाचः स्फुरन्ति सर्वे तव शक्तिलेशैः। ऐसा पदच्छेद कर लेना। गिरिशस्य अर्थात शिवजी की जो मूर्ति है दाक्षिण्यरम्या, यानी दक्षिणामूर्ति नाम से जो मूर्ति है दाक्षिण्यरम्या, यानी वो दक्षिणान्मुख हैं, दक्षिण की दिशा के ओर मुख अर्थात उन्मुख होकर बैठी है, ऐसी जो देवता है दक्षिणामूर्ति कही जाती है, वो ज्ञान की अधिदेवता मानी जाती है, वो दक्षिण्यरम्या गिरिशस्य मूर्ति ही भी, और देवी सरोजासन धर्मपत्नी, सरोजासन ऐसा ब्रह्मा जी का नाम है जो सरोज में अर्थात कमल में ही पैदा हुए, सरोज को ही आसन के रूप से, कमल को आसन के रूप से पाए हुए जो ब्रह्मा जी हैं, उनकी धर्मपत्नी जो सरस्वती जी हैं, ये अर्थात दक्षिणामूर्ति और ज्ञान की अधिदेवता मानी जाती है वो मूर्ति, और सरस्वती जी जो ज्ञान प्रदात्री देवता मानी जाती है, और इन दोनों देवताओं भी व्यासादयोपि व्यास
जैसे महर्षियां व्यास वाल्मीकि प्रभृति महर्षियां भी व्यपदेश्यवाचः यानी ये सब भी व्यपदेश्यवाचः यानी क्या समझना है कि बहुत लिमिटेड नॉलेज है, जिनके पास भी ज्ञान जो है वो बहुत कम है। व्यपदेश्यवाचः इतना ही है, ऐसा व्यपदेश करने लायक ज्ञान है। अव्यपदेश्य ज्ञान यानी अनंत ज्ञान है। व्यपदेश्य ज्ञान यानी कितना है ऐसा बोल सकते हैं, यार इतना इनका ज्ञान तो इतना ही है, सीमित है, ऐसा हम जैसे ही है ये लोग भी, ऐसी भावना हम लोगों को नहीं है। परंतु हम दक्षिणामूर्ति जी को और सरस्वती जी को ज्ञान की अधिदेवता मान बैठे हैं, परंतु वस्तुतः हयग्रीव भगवान की प्रार्थना से ये लोग ज्ञान प्राप्ति करते हैं। दाक्षिण्य रम्या गिरीशस्य मूर्ति जो है भगवान श्री शिव जी की एक दक्षिणामूर्ति नामक मूर्ति है, और सरोजासन जो भगवान ब्रह्मा जी हैं उनकी धर्मपत्नी जो सरस्वती हैं, और व्यास पराशर वाल्मीकि प्रभृति एट्सेट्रा आज तक कितना दूर तक भी कवि हैं उन सबको भी ले लें, ये सब भी व्यपदेश्यवाचः इतना ज्ञान ऐसा हम बोल सकते हैं। ऐसे स्फुरंति सा वो लोग भी चमक रहे हैं आजकल। कैसे चमक रहे हैं? उसका कारण आप ही की तव शक्ति ले सही ही स्फुरंती, आपकी थोड़ा सा शक्ति पाकर ये लोग चमक रहे हैं, और आपकी दृष्टि एक थोड़ी सी बूंद गिर गया तो ये लोग बड़े विद्वान बन गए। ऐसी भावना से दाक्षिण्य रम्या गिरीशस्य मूर्ति जो शिव जी की मूर्ति और सरस्वती व्यास इत्यादि भी लोग आपकी कृपा से चमक रहे हैं, ऐसी भावना को व्यक्त करते हुए वेदांत देशिक जी कहते हैं, दाक्षिण्य रम्या गिरीशस्य मूर्ति देवी सरोजासन धर्म पत्नी व्यासादयोपि व्यपदेश्यवाचः स्फुरन्ति सर्वे तव शक्तिलेशैः मन्दो भविष्यन् नियतं विरिञ्चः वाचां निधे वञ्चितभागधेयः दैत्यापनीतां दययैव भूयोऽपि अध्यापयिष्यो निगमान्न चेत्त्वं मन्दः अभविष्यत् नियतं विरिञ्चः नियतं निश्चयरूपसे विरिञ्चः ब्रह्माजी मन्दः अभविष्यत् और अत्यंत मंदमति मंदभाग्यवान बन गया होता। कब? वाचाम निधे वंचित भागधे यह, उनका कोई भी भाग्य से वंचित रह गया होगा। अगर आप जब मधु कैटभ दोनों दैत्यों से अपहृत ज्ञान को अगर वापस नहीं दे दिए होते आप हयग्रीव भगवान, वो तो वंचित भागधे यह स्यात् विरिंचः अभविष्यत् विरिंचः मंदः अभविष्यत्। ब्रह्मा जी भी मंद अधिकारी हुए होंगे, आज सृष्टिकर्ता के रूप से बैठे हैं, वो इतना बड़ा काम सौंपे हैं उनको, परंतु ये मंदभाग्य रहकर कहीं कर्मवश्य होकर, कर्मवश्य अभी भी हैं, तो हम जैसी हालत पाए होंगे अगर वो वापस ज्ञान को लौटा नहीं होते तो हयग्रीव भगवान, मधु और कैटभ दोनों असुर जब ज्ञान का, सामान्यतः बोला जाता है कि न चोर हार्यम ऐसा ज्ञान को बोलते हैं, कभी चोरी नहीं कर सकते हैं ज्ञान को, ऐसा लक्ष्मी जी को कभी भी अपहरण हो सकता है परंतु ज्ञान का अपहरण नहीं हो सकता है, हम मानते हैं। परंतु ब्रह्मा जी के पास जो वेद का ज्ञान था उसको भी चोरी करने में समर्थ हुए जो मधु और कैटभ दोनों असुर, उनको फिर से समुद्र में जाकर हयग्रीव अवतार लेकर और उन दोनों से लड़कर उनसे ज्ञान को वापस लेके आकर ब्रह्मा जी के पास नहीं सौंपे होते तो विरिंचः मंदः अभविष्यत् मंदभाग्यः अभविष्यत् वंचित भागधेयः अभविष्यत् उनका भागधेय, उनका जो भाग्य है वो वंचित हो गया होगा उनसे, और ये सृष्टि करने का काम उनको नहीं ही प्राप्त हुआ होगा अगर ये हयग्रीव भगवान नहीं दिए होते तो, ऐसा समझना है। दैत्य अपनीतान, दैत्यों से मधु कैटभों से अपनीतान दूर ले गया, लिया गया जो ज्ञान को निगमान, दैत्यापनीतान निगमान भूयः अपि फिर से दयया एव आप कृपा करके ही अध्यापयिष्यः नचेत, अगर आप अध्यापन नहीं किए होते तो
क्या हालत होती ब्रह्मा जी की, मंदभाग्य हुए होंगे, ऐसा मतलब इस श्लोक में आविष्कृत है। मंदो भविष्यन् नियतं विरिञ्चः वाचां निधे वञ्चित भागधेयः दैत्यापनीतां दयैव भूयोऽप्यध्यापयिष्यो निगमान् न चेत्त्वं वितर्कडोलां व्यवधूय सत्त्वे बृहस्पतिं वर्तयसे यतस्त्वं तेनैव देव त्रिदशेश्वराणां अस्पृष्टडोलायितमाधिराज्यं। हे देव, वितर्कडोलां व्यवधूय सत्त्वे बृहस्पतिं वर्तयसे यतः त्वं तेन एव, तेनैव ऐसा हुआ है, तेन एव पदच्छेद करना है, देव त्रिदशेश्वराणां अस्पृष्टडोलायितम् आधिराज्यं। हे देव, ऐसा संबोधन है तृतीय पाद में, तेनैव देव ऐसा आ रहा है, देखिए वहाँ देव संबोधन है। त्वं वितर्कडोलां अर्थात बृहस्पति जी को भी संदेह आ जाता है कभी कभी, बृहस्पति को कभी कभी सन्मार्ग में प्रवृत्त होना चाहिए बुद्धि, परंतु नहीं प्रवृत्त होता है, कभी दूसरे दूसरे संप्रदाय के प्रवर्तक बन जाते हैं। तो ऐसी हालत में और संदेह अर्थात वितर्क डोलाम व्यवधूय है, मन में ये निर्णय करना या ऐसा निर्णय करना, ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी हालत बृहस्पति जी को भी बनता है। देवगुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति जी को भी ये हालत बनती है कि किस प्रकार निर्णय करना है। ऐसी हालत में वितर्क डोलाम व्यवधूय है, उनकी जो डोलायमान हृदय को संदेह की वजह से, संशय की वजह से ये कैसे निर्णय करना ऐसी मालूम ना हो, हृदय डोलायमान हो, तो ऐसी हालत में उनको उनकी संदेह को दूर करके बृहस्पतिम यतः वर्तयसे, बृहस्पति जी को भी सन्मार्ग में तू रखवाते हो, इसलिए तेनैव त्रिदशेश्वराणाम आधिराज्यम, उसी वजह से, और त्रिदशेश्वर जो इंद्र जी हैं, इंद्र की जो आधिराज्यम उनके जो देवलोक है वो भी अस्पृष्ट डोलायितम, अभी तक कोई उसको स्पर्श नहीं कर पाया, नहीं तो कोई ना कोई उसको भी उसका भी हालत बिगाड़ दिए होंगे। अगर बृहस्पति देव पुरोहित अगर वो ऐसी हालत में हो, तो जहाँ संदेह हो, ऐसे निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी हालत में हो, तो कैसे वो अपना इंद्र को सन्मार्ग में प्रवर्तित कर कर आगे चला सकते हैं, इसलिए ये असंभव हो गया होगा। वितर्क डोलम व्यवधूय सत्वे बृहस्पतिं वर्तयसे यतस्त्वं तेनैव देव त्रिदशेश्वराणाम् अस्पृष्टडोलायितमाधिराज्यम्। नहीं तो वो भी डोलायमान हो गया होगा, त्रिवर्ग अर्थात स्वर्गलोक, स्वर्गलोक भी देवों के हाथ में या राक्षसों के हाथ में ऐसी हालत हो गई होगी, उसको स्थिर बन करने में हयग्रीव भगवान की ही कृपा रही जो बृहस्पति जी को स्थिर रखते हैं, नहीं तो उनका हृदय भी डोलायमान हो सकता है कि किस प्रकार निर्णय लें ऐसी हालत में। और इसलिए सबका जो स्थिर ज्ञान प्राप्त करना है तो हयग्रीव भगवान ही हमारे लिए मुख्य हैं, अर्थात हम लोगों को भी आजकल की परिस्थिति में कैसे निर्णय लेना ये मालूम नहीं हो रहा है, एक एक निर्णय भी हम लोगों को इतना बड़ा गड्ढा है, तो हयग्रीव भगवान की कृपा चाहिए। वो वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, किसी न किसी निर्णय को लेते वक्त हम लोगों को हयग्रीव भगवान की कृपा है तो निर्णय ले सकते हैं, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी कि थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा निर्णय, तो हम फिर से तकलीफ में आ जाएंगे। और अग्नौ समिद्धार्चिषि सप्ततन्तोः आतस्थिवान् मंत्रमयं शरीरम् अखण्डसारैर्हविषां प्रदानैः आप्यायनं व्योमसदां विधत्से। अग्नौ समिद्धार्चिषि सप्ततन्तोः आतस्थिवान् मंत्रमयं शरीरम् अखण्डसारैः हविषां प्रदानैः आप्यायनं व्योमसदां विधत्से। ये हयग्रीव भगवान और कैसे कैसे कृपा करते हैं उसके उसका वर्णन हो रहा है। समिद्धार्चिषी, समिद्धार्चिषी आहुति देते वक्त अग्नि में आहुति देते हैं, बाद में वो अर्चिष वहाँ से ऊपर निकलता है कि और अग्नि का ज्वाला निकलती है, उसे समिद्ध अर्चिषी, समिद्ध का मतलब अच्छी तरह जलने जल रहा है, जो वो धुआं भी ऊपर उठ के आ रहा है और अग्नि भी, अग्नि भगवान भी प्रकट हो रहे हैं, ऐसे सप्ततंतो हो, ऐसे यज्ञ में, जिस यज्ञ में अग्नि भगवान बहुत प्रसन्न होकर अपने सप्त जिह्वा को फैला कर
ऊपर उठ रहे हैं अग्नि और अर्चिष के रूप से, तब सप्ततंतो हो समिद्धार्चिषी मंत्रमयम शरीरमातस्तिवान, उसमें मंत्र रूपी हयग्रीवाय नमः ऐसा बोलकर जो भी आहुति दी जाती है अथवा किसी भी देवता के उद्देश्य से दी जाती है, वो यो यो, यो याम्याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितमिच्छति तस्य तस्य अचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं सतया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। किसी भी देवता के उद्देश्य से वो आहुति हो तो वो सब भगवान श्री विष्णु के पास ही जा, सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति, ऐसा है ना। हम जो भी यज्ञ करते हैं किसी भी देवता के उद्देश्य से करते हैं, उसमें मंत्रमयम शरीर मातस्तिवान, मंत्र रूपी शरीर को धारण करते हुए उसमें विराजमान होकर अखंड सारे ही उसमें देने वाले आहुतियों को सार को ग्रहण करके हविषाम प्रदान ही हविष इत्यादियों को स्वीकार करके व्योमसताम आप्यायनम विधत से आकाश में रहने वाले देवताओं को भी आप संतुष्ट कराते हो। जो जो भी आहुति दी जाती है वो उन उन देवताओं तक पहुंचाने का काम हयग्रीव भगवान की कृपा से ही होती है। अगर हयग्रीव भगवान की कृपा ना हो तो कोई यज्ञ में देवताओं को आहुति मिलना भी मुश्किल है। इसलिए सब देवताओं को आहुति प्रदान जैसा हो और वो आहुति लेकर संतुष्ट रहें, ऐसा काम हयग्रीव भगवान ही संपादन करते हैं, ऐसे व्याख्यान ऐसे भाव इसमें अभिव्यक्त किया गया है। ये इधर से समाप्त करते हैं, श्लोक को फिर से एक बार पढ़ता हूँ। अग्नौ समिद्धार्चिषी सप्ततंतोः आतस्तिवान् मंत्रमयम् शरीरम् अखण्डसारैर्हविषाम् प्रदानैः आप्यायनम् व्योमसतां विधत्से व्योमसदम् व्योमसत् व्योमे व्योम्नि सीदन्तीति व्योम्नसदः व्योम्नि सद व्योमसदः तेषां व्योमसदाम्, ऐसा व्योमसदाम् बोलना है न तो व्योमसताम। व्योमसदाम विधत् से आप ही करवाते हो, सब देवताओं को आहुति ग्रहण करवाते हो, ऐसे ऐसा इस श्लोक से समाप्त करते हैं। अभी 10 श्लोक हुआ है, आगे 11वां श्लोक से अगले के उपन्यास में करते हैं। सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।